हरे कृष्णा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। सरमा नर्सरी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका गार्डनिंग दोस्त विष्णु आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में, जिसका नाम है ओरेलिया प्लांट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रोपगेशन के बारे में जानेंगे और हम लोग लोकेशन कहाँ रखना है, वाटरिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जो प्लान आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, मैंने वो कटिंग से बनाया हुआ है। तो ये प्लान जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने इसको एक अनयूज जो एक डब्बा है, जिसमें ये बिस्किट्स का डब्बा है, तो उसमें मैंने लगा के इसको दिखाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले बात करते हैं पॉटिंग मिक्स के बारे में। दोस्तों, पॉटिंग मिक्स जो है, हम लोग को बहुत वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स लेना बहुत ज़रूरी है। और वेल ड्रेन का मतलब क्या होता है? वेल ड्रेन का मतलब होता है जहाँ जिस टाइम हम लोग पानी डालेंगे इसके ऊपर, तो वो पानी जो है नीचे से निकल जाना चाहिए और सोख लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग को 70% जो है गार्डन सॉइल लेना बहुत ज़रूरी है और 30% जो है कंपोस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। 30% कंपोस्ट का मतलब आप कोई भी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं, उसमें कार्डन कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, या उसमें आप कोकोपीट भी 30% यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सनलाइट के बारे में। दोस्तों, गर्मी हो या ठंडी हो, इस प्लांट को सनलाइट से, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो है बहुत जल्दी जल जाती हैं, और डायरेक्ट सनलाइट में जब आप रखते हैं और उसको पानी अगर ठीक टाइम में नहीं मिलती है, तो 2 दिन या 3 दिन में ये प्लांट जो है मर सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, जो पॉटिंग मिक्स मैंने बताया, वो पॉटिंग मिक्स के साथ इनडायरेक्ट लाइट में रखेंगे तो बहुत लंबा ग्रो करेगी, और ये प्लांट जो है बॉल जैसा ग्रो करता है, बहुत ही सुंदर होता है। आप उसको बॉल शेप में, राउंड शेप में बना के रख सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए डायरेक्ट सनलाइट में आप नहीं रखेंगे, उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। इनडायरेक्ट सनलाइट का मतलब आप कोई भी पेड़ की छांव में रख सकते हैं, या फिर ऐसे जगह रख सकते हैं जहाँ जो सुबह का लाइट या फिर इवनिंग लाइट, सुबह या इवनिंग लाइट उसको जिसे 2-3 घंटा अगर मिलेगी तो भी अच्छा है। और पानी की बात करें तो पानी जो है आपको फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है फ्रेंड्स। अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखा या फिर ऐसा जगह में रखा जहां मॉर्निंग सनलाइट डायरेक्ट आती है, और आपने इसका 2-3 दिन पानी नहीं चेक किया, पानी नहीं मिला उसको, उसका जो सॉइल है वो सूख गया है, तो वो मरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स ये प्लांट। इसीलिए फ्रेंड्स, इस प्लांट को जो है मॉइस्ट कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस प्लांट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। इस प्लांट का जो ग्रोइंग पीरियड है वो है समर, और प्रोपगेशन भी हम लोग समर में ही करते हैं। विंटर में इस प्लांट का ग्रोथ जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है, समर के कंपेयर में बहुत कम ग्रो होती है फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। एंड तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।